मम्मी जी, मैं और राहुल परसों मनाली घूमने जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए। तो एक हफ्ते के लिए आप अपना खुद मैनेज कर लेना। मैनेज? क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने खाने पीने का ध्यान खुद रख लेना। बेटा तुम्हें पता है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और ऐसे ही अचानक मुझे अकेला छोड़ के घूमने फिरने का प्रोग्राम। तो आपके चक्कर में हम अपनी लाइफ भी एंजॉय ना करें? मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, पर कभी तो टाइम पे बता दिया करो। और पहले मेट थी, वो भी तुम लोगों ने हटा दी, मेरे बारे में भी तो सोचा करो। नहीं सोचना आपके बारे में, आपसे कुछ दिन का पीछा छूटे इसलिए बाहर घूमने जा रहे हैं, समझिए आप। और एक बात और, इस घर का मालिक मैं हूं, मेरे डिसीजन पर सवाल मत उठाइएगा, वरना इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये डिसाइड करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझिए आप। संजू, बात सुन बेटा। क्या है माँ, जल्दी बोलिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा कुछ पैसे चाहिए थे, ये चश्मा बनवाना था। माँ आपके खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुझे पता है ना मुझे माइग्रेन है, तो चश्मा तो जरूरी है ना बनवाना। कभी आपको चश्मे के लिए पैसे चाहिए होते तो कभी किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए होते। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, समझ रही हैं आप, मैं जा रहा हूँ। क्या है? वो बेटा मुझे मेडिकल स्टोर का नंबर चाहिए था, मेरे सिर में बहुत दर्द है और दवाई खत्म हो गई है। माँ पर्ची ड्रॉर में रखी होगी, उसी में नंबर एड्रेस सब लिखा है, पर बार बार मुझे परेशान मत करो, रखो फोन। वो मैंने सब देखा ड्रॉर में, कोई हेलो हेलो आंटी नमस्ते। आंटी मेरे घर की चाबी है, आप प्लीज रख लेंगी? आंटी 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 क्या हुआ? आंटी 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 क्या कुछ नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए, पैदा होने से लेके उनकी पढ़ाई लिखाई, यहां तक के नौकरी मिलने तक भी उनका साथ देते हैं, उनकी हर सफलता के लिए दुआएं मांगते हैं। और जब माँ बाप अपनी हर चीज उन बच्चों के नाम कर देते हैं, इन्हीं बच्चों को यही माँ बाप अपनी जिंदगी में बोझ लगने लगते हैं। देखिए आंटी, एक वकील होने के नाते मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, जिससे आप अपनी रिस्पेक्ट, अपना घर दोनों वापस ले सकते हैं। कैसे? आपको तो पता है ना भाई साहब, मेरा एकलौता बेटा है, अरे ये सारी प्रॉपर्टी उसी की तो है, फिर मैं उसे कल क्यों दूं, आज क्यों नहीं?
क्या है? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है और इसमें लिखा है कि मैं तुमसे अपनी गिफ्टेड प्रॉपर्टी वापस ले रही हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया? नहीं, मेरा दिमाग तब खराब हो गया था जब मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी। अच्छा, कैसे लोगी आप मेरे से प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है और मैं वापस नहीं करने वाला। प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के नए ऑर्डर के मुताबिक जो बच्चा अपने माँ बाप को गलत ट्रीट करता है ना, उससे माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते। ए, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है और उस एक हफ्ते के अंदर मेरा ये घर खाली कर दो। गलती हो गई, माफ कर दो, हम आपके बच्चे हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए पनिशमेंट देना जरूरी होता है। और तुम्ही ने कहा था ना कि घर के मालिक के डिसीजन पे सवाल मत उठाओ। अब मालिक मैं हूं, अब मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम जाओ। Arrogance and over-smartness usually lead to disaster. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।